नमस्कार फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। स्वागत है आपका साई क्यूलिनरी सोल्यूशन चैनल पे, किचन टू प्लेट सोल्यूशन। फ्रेंड्स, ये चौथा वीडियो है फूड एडिटिव सीरीज़ के अंदर, और इसमें हम जानेंगे कलरिंग एजेंट के बारे में, कलर एडिटिव्स के बारे में। तो हम क्या क्या जानेंगे, कलर एडिटिव्स होता क्या है एक्चुअली, कितने प्रकार का होता है और कौन कौन सा होता है, उनका ई नंबर क्या है, कौन सा कलर हमें यूज करना है, कौन सा फसाई मना करती है और उसके डोजेस क्या हैं। तो यानी ऑल अबाउट कलर एडिटिव्स अगर मैं बोलूं तो वो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम कलर एडिटिव्स के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में ले लेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं हिंदी में बना रहा हूँ, इसका इंग्लिश वर्जन भी मैं डालूंगा इसी चैनल पर। आपको अगर हिंदी समझ नहीं आती है तो आप इंग्लिश में भी उसे देख सकते हैं और आपको वही चीज़ मिलेगा जो चीज़ मैं इसमें बताने जा रहा हूँ। क्योंकि कई हमारे ऑडियंस का कहना है कि आप हिंदी में बनाया कीजिए वीडियो, और कई लोगों को हिंदी में इशू आती है। इस वजह से मैंने सोचा कि अब जो भी वीडियो बनाएं हिंदी और इंग्लिश में बनाएं, क्योंकि जानकारी मेन मुद्दा है साई क्यूलिनरी सोल्यूशन को आपको प्रोवाइड कराने का। तो जानकारी के लिए भाषा बीच में बाध्य नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए ये हिंदी में है। पूरे तरीके से जानेंगे कलर एडिटिव्स के लिए, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, नॉलेजबल होने वाली है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए और बेल आइकन को दबा देंगे तो हम आगे कुछ भी वीडियो डालेंगे तो आपको अपडेट मिलता रहेगा नोटिफिकेशन के थ्रू, जिससे आप आसानी से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जानते हैं कि कलर एडिटिव होता क्या है। यह किसी भी तरह का डाई हो सकता है, पिगमेंट हो सकता है या कोई पदार्थ हो सकता है जो छोड़ता है अपना रंग जब हम इसको ऐड करते हैं अपने फूड में या ड्रिंक में। ये लिक्विड में हो सकता है, पाउडर में हो सकता है, पेस्ट में हो सकता है, और इसका प्रयोग कमर्शियल फूड प्रोडक्शन के अलावा घरेलू फूड प्रोडक्ट्स में भी किया जाता है, और साथ में हम कह सकते हैं कि कई तरह के दूसरे उपयोग में भी इसका प्रयोग किया जाता है, दूसरे इंडस्ट्री में भी कलरिंग एजेंट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो आपका जो है होम क्राफ्ट प्रोजेक्ट्स में भी इसका उपयोग किया जाता है, कॉस्मेटिक फार्मास्यूटिकल्स में भी किया जाता है, मेडिकल डिवाइसेस में भी किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस कलर एडिटिव्स को हम क्यों उपयोग में लाते हैं, क्यों हम कलर एडिटिव्स अपने प्रोडक्ट में डालते हैं, पहले ये जान लेते हैं। फ्रेंड्स, अपने फूड प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव, आई अपील देने के लिए, अपेटाइजिंग बनाने के लिए और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए मोटा मोटी। और कई बार कलर लॉस हो जाते हैं ज़्यादा देर तक रखे रहने से, लाइट के, हवा के या एक्सट्रीम टेम्परेचर के, मॉइस्चर इनहेल हो जाने के वजह से, स्टोरेज कंडीशन के वजह से कलर लॉस हो जाता है। तो उस कलर को रिटेन करने के लिए भी हम कलरिंग एजेंट का प्रयोग करते हैं। कभी कभी नेचुरल वेरिएशन कलर का होता है, उसको करेक्ट करने के लिए भी हम कलरिंग एजेंट का प्रयोग करते हैं। और कई बार हम जो है कलर्स का प्रयोग करते हैं जो उसमें अवेलेबल कलर है वो और अच्छे से उभर के आए, जिससे कि वो प्रोडक्ट समझ में आ जाए। और कई बार जो है डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी हम कलर का यूज करते हैं फूड प्रोडक्ट्स में भी या मेडिसिन्स में भी, और आसानी से पहचान में आ जाए इसके लिए भी कलर का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो रहा कि हम कलर का प्रयोग क्यों करते हैं। आप जानते हैं कि कलर कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के मुख्यतः कलर होते हैं, एक नेचुरल कलरेंट्स बोलते हैं जिसके कोर ग्रुप में चार हैं, कैरेटोनाइड्स है जो E160 से E161, E164 नंबर से इनका। दूसरा है क्लोरोफाइलिन, E140 से E141। तीसरा है एंथोकाइनिन, E163, और चौथा है विटामिन E162। ये जो है नेचुरल कलर्स हैं जिसको फसाई और USFDA दोनों परमिट करता है, और कुछ इनके डेरिवेटिव्स होते हैं इनके मिक्सिंग से या कुछ अदर भी है जो फसाई से परमिटेड नेचुरल कलर है, जो नेचुरली अवेलेबल है और हम उसका प्रयोग अपने फूड प्रोडक्ट में करते हैं। जैसे अमाटो है E160B बोलते हैं ई नंबर में, कैरामेल है
इसको शुगर को कैरामलाइज करके हम बोलते हैं। इसमें वेरिएशन है E50A से D तक, यानी ABCD तक चार वेरिएशन टोटल है कैरामल कलरिंग में, जिसको फसाई बोलती है हम यूज कर सकते हैं। कारमाइन है E120 उसको बोलते हैं, एल्डरबेरी जूस है E163, लाइकोपिन है E160D, पैप्रिका है जो कि बहुत पुराने समय से उपयोग में लिया जा रहा है E160C बोलते हैं उसको, टर्मेरिक जिसको करक्यूमिन भी बोलते हैं, करक्यूमिन भी बोलते हैं, हल्दी E100 उसको बोल सकते हैं। फ्रेंड्स ई रेंज जो है कलर एजेंट के लिए E100 से E199 तक है, और बहुत पुराने समय से ये जो अभी बताया मैंने कलर, ये नेचुरल कलर्स होते हैं जैसे पैप्रिका, टर्मेरिक, सैफ्रॉन, इन सब का प्रयोग बहुत पुराने समय से किया जा रहा है फूड प्रोडक्ट को कलर करने के लिए। फ्रेंड्स अब आते आर्टिफिशियल, जो कि दूसरे टाइप है आपका कलरिंग एजेंट का, आर्टिफिशियल मैनमेड उसको बोल सकते हैं। नेचुरल हमने कवर कर लिया, नेचुरल के बारे में आपको जानकारी हो गई कि नेचुरल कौन कौन से कलर्स हम यूज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट में। अब जानते हैं कि वो कलर्स जो कि नेचुरली नहीं है, सिंथेटिक बोल सकते हैं, मैनमेड बोल सकते हैं, लैब में बनाया हुआ बोल सकते हैं, वो कलर एजेंट बहुत तायत में आपको मार्केट में मिल जाएंगे और लोगों को पता ना होने के वजह से वो कोई सा भी कलर डाल करके यूज कर लेते हैं, जो कि फसाई मना करता भी है और इसी वजह से उनके सैंपल फेल हो जाते हैं और बाद में उनको दिक्कत होती है। तो फ्रेंड्स हमें जान लेना चाहिए कि हमें कौन सा कलर जो है फसाई मना करता है आर्टिफिशियल में। आर्टिफिशियल में मना करता है तो क्यों मना करता है, उसका भी रीज़न है, क्योंकि फसाई रेगुलेटरी के अंदर में कोई चीज़ आ रही है तो वो हम सभी के लिए है। क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ही पोटेंशियल प्रॉब्लम हुए हैं फूड डाइज के साथ में और डायग्नोस किए गए हैं कि बहुत सारे ऐसे फूड डाइज हैं, मैं उनका नाम भी बताऊंगा, जिनसे कार्सिनोजेनिसिटी जो कि कैंसर को बढ़ावा देता है, जेनोटॉक्सिसिटी जो कि म्यूटेशन करता है डैमेज करने में क्रोमोसोम्स को, न्यूरोटॉक्सिसिटी भी पाई गई है बहुत सारे कलर्स में जो कि डैमेज करता है नर्व टिश्यूज को। तो इसकी वजह से फसाई और USFDA कुछ कलर्स को बैन करती हैं। पहले जो कलर बैंड है उसका आपको मैं नाम बता देता हूँ, ग्रीन वन, रेड वन, ये प्रमोट करता है लीवर कैंसर को, और रेड 4B 125 जिसका नंबर है, ये हमें फूड प्रोडक्ट में नहीं डालना है। बाकी इसका दूसरा इंडस्ट्रियल यूज होता है, हो सकता है, पर फूड प्रोडक्ट में ये बैन है। दूसरे ऑरेंज 1, ऑरेंज 2, वायलेट 1, रेड 2 जिसका ये नंबर 123 है, रेड 32, ये कार्सिनोजेनिक है फ्रेंड्स, इसका भी प्रयोग हमें अपने फूड प्रोडक्ट में नहीं करना है। सुडान 1 टॉक्सिक है, इस वजह से उसका प्रयोग नहीं करना है, टॉक्सिसिटी को जनरेट करता है, टॉक्सिक को प्रोड्यूस करता है, तो सुडान 1 भी हम अपने फूड प्रोडक्ट में नहीं यूज कर सकते, या बैंड है फसाई की तरफ से भी और USFDA की तरफ से भी। येलो 1 और 2 भी बैंड है क्योंकि इंटेस्टिनल डिजीजेस को बढ़ावा देता है। येलो 3 और 4 भी बैंड है फ्रेंड्स, क्योंकि ये प्रमोट करता है हार्ट डैमेज को। तो इस तरह के डाइज वाले जो आर्टिफिशियल कलर हैं इनको हमें अपने फूड प्रोडक्ट में नहीं यूज करना है। अब फ्रेंड्स जान लेते हैं कि वो कौन कौन से आर्टिफिशियल कलर हैं। पहले तो आर्टिफिशियल कलर का रेंज जान लेते हैं, E102 से E143 के बीच में सारे आर्टिफिशियल कलर आते हैं, परमिटेड नॉन परमिटेड दोनों। तो परमिटेड कलर आप जान लेते हैं, नॉन परमिटेड तो हमने जान लिया कि ये अगर मार्केट में हमको मिलता भी है और उस पर अगर ये चीज़ लिखा हुआ है तो हमें उसको नहीं लेना है, ये मैंने आपको बता दिया। अब जो हमको लेना है, जो हमको यूज करना है अपने फूड प्रोडक्ट के लिए, वो जान लीजिए। वो मुख्यतः चार कोर में आते हैं, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, जिनके कॉमन नेम रेड के अंदर में 3 आते हैं जिसको पॉनक्यू 4R बोलते हैं, ई नंबर में 124 है, इसको हम यूज कर सकते हैं। कार्मोसाइन है जो कि E122 नंबर है, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, रेड के अंदर ही आता है। एरिथ्रोसाइन है 127 नंबर ई रेंज में, ये भी रेड के अंदर आता है, इसका भी प्रयोग हम कर सकते हैं, अलाउड है फसाई के द्वारा। अब एलो में जान लेते हैं, एलो में मुख्यतः दो तरह के E102 और E110, यानी कि टार्ट्राजाइन जो बहुत ज़्यादा यूज होता है E102 है, और सनसेट एलो FCF E110, ये हम प्रयोग में ला सकते हैं। ये फूड कलरिंग एडिटिव्स के अंदर में परमिटेड है फसाई के द्वारा भी, USFDA के द्वारा भी,
मात्रा भी मैं आगे बताऊंगा फ्रेंड्स कि कितनी मात्रा मैक्सिमम फसाई बोलती है कि यूज करना है आपको कलर एजेंट के लिए। अब जान लेते हैं ब्लू। ब्लू के अंदर में इंडो कार्माइन आता है, इंडिगो कार्माइन आता है जो कि E132 ई नंबर है। ब्रिलियंट ब्लू FCF आता है, E133 उसका नंबर है। और ग्रीन कलर में सिर्फ एक कलर ही अलाउ करती है फसाई और USFDA भी, वो है फास्ट ग्रीन FCF E143। तो ये कलर हम अपने फूड प्रोडक्ट के लिए प्रयोग में ला सकते हैं क्योंकि फसाई इसको परमिशन देती है। फसाई ने डोज जो निर्धारित की है वो मैक्सिमम मैं बता देता हूँ आपको, प्रयोग करने के वक्त उस लेवल को क्रॉस नहीं करना है। फिर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, 100 mg/kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि फसाई इतना ही मैक्सिमम लेवल रेकमेंड करती है फूड प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि हमारे हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियरी है, हमारे कस्टमर के लिए भी बेनिफिशियरी है। तो मैंने सब कुछ कलर के बारे में फ्रेंड्स आपको बता दिया है, आपको समझ में आ गया। और इसके रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको रहता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसको क्लियर करूँगा। अगर आपको लगता है कोई बाजार से सामान लेके आए हैं, कलर खरीद के लाए हैं अपने प्रोडक्ट में डालने के लिए, और उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन को ज़रूर पढ़ लें। डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद अगर आपको समझ में नहीं आता है उसको फोटो खींचिए और कमेंट में मेरे डाल दीजिए, मैं बता दूंगा कि आपको इसको यूज करना है कि नहीं यूज करना है। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होता, तो प्लीज़ इस वीडियो को वो सभी जो फूड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनको दिखाइए, क्योंकि उनको जानना बहुत ज़रूरी है। जो आपके कर्मचारी हैं, जो आपके प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं, उनको ज़रूर दिखाइए। उनसे भी चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू, हैव अ गुड डे।